शब्द नहीं है। बेटी एक एहसास है जो आज मैंने एहसास किया। जो रोल आज मुझे मिला था वो सिर्फ रोल था, लेकिन जो मुझे फीलिंग थी अंदर, जो फीलिंग के साथ हम जब शुरू किए तो वो जो फीलिंग थी वो एकदम क्या बोलते हैं, एकदम सहमने वाली फीलिंग थी कि सच में ऐसा दुनिया में आज भी होता है। बेटियों की एक एक अंग काट के उनको अलग करके उनका अबॉर्शन करवाते हैं और लोग मान भी जाते हैं, ये सब अंधविश्वास है। मैं चाहती हूँ कि हम सब ये प्रण लें कि हम बेटी बचाएंगे, बेटी को आगे बढ़ाएंगे, उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, हर चीज़ करेंगे, क्योंकि बेटी ही सब कुछ है। आप उन्हें पढ़ाएंगे, आप खुद शिक्षित होंगे। आप उन्हें पढ़ाइए, वो आपको पढ़ाएंगे, वो आपके पूरे ख़ानदान को पढ़ाने के लिए तैयार है। बस थैंक यू। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि जो अभी हमने एक्ट किया था उसमें मेरा एक डॉक्टर का और एक पिता का कैरेक्टर था। मैं एक वो पिता हूँ जो शिक्षित है और अपनी बच्चियों को भी शिक्षा देने में ही बिलीव करता है और उनको इस समाज में आगे बढ़ने के लिए पूरा प्रोत्साहन देता है। तो मेरा जो कैरेक्टर है उसके हिसाब से मुझे जो मैं समाज को एक मैसेज देना चाहती हूँ वो यही कि आज के दौर में लड़का और लड़की दोनों किसी से कोई कम नहीं है। अगर लड़के अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहे हैं तो लड़कियाँ भी उतना ही उस क्षेत्र में, क्या हर क्षेत्र में अपने माँ बाप का नाम रोशन करती हैं। और मुझे लगता है कि जब तक हर एक काम की शुरुआत एक घर से जब तक नहीं होगी तब तक दूसरा समाज या दूसरे समाज के लोग वो बात नहीं समझेंगे। तो मुझे लगता है कि अपनी बच्चियों को हमें पढ़ाना लिखाना और अपनी बच्चियों को अच्छे नई अपॉर्चुनिटीज़ देना और पढ़ा लिखा के उनके पैरों पर खड़ा करना, ये एक माँ बाप का सबसे पहला दायित्व होता है और हमारे उत्तरदायित्व को हमें समझने के लिए शुरुआत अपने घर से ही करनी पड़ेगी। इसीलिए ये मेरा कैरेक्टर उसी बात को प्रेरित करता है और मुझे लगता है कि हमें अगर आगे अपने समाज में अपने देश को आगे बढ़ाना है या फिर दुनिया में अपने देश का नाम रोशन करना है तो मुझे लगता है शायद हमें अपनी बच्चियों को पहला मौका देना चाहिए आगे बढ़ने का, जिससे कि वो अपना नाम रोशन कर सकें। इतना ही। पहले तो मैं सबको थैंक यू बोलूँगी कि मुझे ये रोल मिला, जैसे रागिनी मिस और कविता मैडम। मैं यही कहना चाहूँगी कि एक तो आज का जो सब्जेक्ट है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और मैं खुद एक बेटी हूँ और मैं चाहती हूँ कि देश की हर एक बेटी पढ़ लिख कर बड़ी हो और अपने पैरों पर खड़ी रहे। मुझे जो आज रोल मिला था तो पहले जो था उसमें मुझे बेटी हुई है और मैं बहुत खुश हूँ उसमें, और जो कि गांव वाले थे वो उसके ख़िलाफ़ थे, लेकिन बाद में उनको भी एक रियलाइजेशन हुआ कि बेटी होना कोई बुरी बात नहीं है, वो भी एक समाज का अंग है। और दूसरा जो मुझे रोल था वो बिल्कुल उसके अपोजिट था, मुझे एक सास का रोल मिला था। वो करते हुए मुझे खुद महसूस हो रहा था कि जब एक्चुअल में अगर किसी के साथ ये हादसा होता है, बहू के साथ ये हादसा होता है, तो कैसे वो महसूस करते होंगे। वो आज मैंने खुद महसूस किया है और मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ बेटियाँ और कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करती है, वो सिर्फ चाहती है तो एक प्यार और दुलार, बस उसको एक प्यार से आवाज़ दे दो, वो कहीं भी होगी कैसे भी होगी वो आपके पास दौड़ी थी चली आएगी, और आपको हर हाल में खुश रखने के लिए वो हमेशा हमेशा तैयार रहेगी। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम मोहन घांगले है, मैं चाइल्ड हेल्थ फाउंडेशन में एज अ फील्ड कोऑर्डिनेटर करके काम कर रहा हूँ। चाइल्ड हेल्थ फाउंडेशन यह एक सामाजिक संस्था है जो पिछले 7 साल से समाज में जो भी ऑर्फेनेज बच्चे हैं या फिर जो गरीब बच्चे हैं जो अपनी पढ़ाई या फिर अपनी बीमारी का इलाज नहीं कर पाते हैं उनको चाइल्ड हेल्थ फाउंडेशन हेल्प करता है। जो भी ऑर्फेनेज होम्स है उस होम्स को चाइल्ड हेल्थ फाउंडेशन हेल्प करता है।
जो भी 15 साल के बच्चे हैं जिनके मेजर्स ऑपरेशंस होते हैं, तो मेडिकल सपोर्ट प्रोग्राम के अंतर्गत हम उन बच्चों के ऑपरेशंस के लिए फाइनेंशियली हेल्प करते हैं। ऑर्फनेज सपोर्ट प्रोग्राम है, मेडिकल सपोर्ट प्रोग्राम है, एजुकेशन सपोर्ट प्रोग्राम है। एजुकेशन सपोर्ट प्रोग्राम के अंतर्गत हम बच्चों की फ़ीस, उनकी स्कॉलरशिप, और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ाई में होशियार है लेकिन जो अपनी आर्थिक परिस्थिति ना होने के कारण वो बच्चे अच्छे एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, ऐसे बच्चों को हम एजुकेशन सपोर्ट करते हैं, उनको हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं ताकि वो बच्चे आगे बढ़े, पढ़े और अपने बलबूते पर खड़े हो सके, उनका फ्यूचर सिक्योर हो सके। इसलिए चाइल्ड हेल्थ फाउंडेशन हमेशा प्रयास करता है। मैं आप सब लोगों को अपील करना चाहता हूँ कि जितना आपसे हो सके चाइल्ड हेल्थ फाउंडेशन को हेल्प कीजिए, चाइल्ड हेल्थ फाउंडेशन के लिए मदद कीजिए, उनके प्रोग्राम्स में आप हेल्प दीजिए। धन्यवाद।